नमस्कार हिमाचल वासियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता पुरुषों में रेलवे, महिला वर्ग में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स की टीम विजेता। इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में चल रही राष्ट्रीय टीम शतरंज प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ए और महिला वर्ग में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम विजेता बनी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ए की टीम 17 अंकों के साथ सबसे आगे रही, जबकि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम बी भी 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में कुल 9 राउंड के बाद गुजरात ए टीम ने 12 अंकों के साथ तीसरा, हरियाणा की टीम बी ने चौथा और तेलंगाना ने पाँचवा स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु ए टीम छठे, महाराष्ट्र ए टीम सातवें, LIC की टीम आठवें, BSNL नौवें और आंध्र प्रदेश ए टीम दसवें स्थान पर रही। हिमाचल की टीम 22वें, 27वें, 28वें और 30वें नंबर पर रही। महिला वर्ग में 14 अंकों के साथ पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि तेलंगाना की टीम दूसरे और LIC की टीम तीसरे स्थान पर रही। राजीव कुमार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आरती गुप्ता के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें दोबारा से यह दायित्व दिया गया है। पहले उनसे प्रभार वापस लेकर आरती गुप्ता को अतिरिक्त निदेशक से पदोन्नत कर निदेशक बनाया गया था। राजीव 2017 बैच के HAS अधिकारी हैं। मंडी मनाली NH के काम में सुस्ती, हाईकोर्ट ने NHAI और PWD को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 21 की हालत नहीं सुधारे जाने पर NHAI समेत लोक निर्माण विभाग PWD को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवादुआ की खंडपीठ ने कहा कि मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण गिरा मलबा नहीं उठाया गया है। जुलाई में बरसात शुरू हो जाएगी। हाईवे की हालत सुधारने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत बोली, पहाड़ी महिलाएं किसी से नहीं डरती, यह चुनाव किसी धर्म युद्ध से कम नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ी महिलाएं किसी से डरती नहीं है। राजनीति में आने से पहले और उसके बाद से उन्हें डराने धमकाने के कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वह किसी से नहीं घबराती। सुंदरनगर में कंगना ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने काम में सफलता के झंडे गाड़े हैं, उसी तर्ज पर राजनीति में सफल होना चाहती हूं और ऐसी MP बनूं जो न भूतो न भविष्यति हो। कहा, लोकसभा चुनाव किसी धर्मयुद्ध से कम नहीं है और हम धर्म की तरफ से हैं और वह विरोधी अधर्म की तरफ से। सुंदरनगर में मंडल भाजपा की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर कंगना रनौत का विधायक राकेश जम्बाल के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शाहपुर से अतुल, हमीरपुर से रवि, कांग्रेस युवा संवाद के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस युवा संवाद हिमाचल प्रदेश के संस्थापक एवं अध्यक्ष रवि रतन शर्मा ने राज्य कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शाहपुर से अतुल सिंह और हमीरपुर से रवि पटियाल को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है। बैजनाथ से वनवीर चंद और मंडी से अनूप शर्मा को राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस युवा संवाद का गठन किया गया है। वहीं झंडुता से राजेश ठाकुर और ऊना से केवल शर्मा को राज्य प्रवक्ता, सरकाघाट से संदीप ठाकुर को स्टेट ट्रेनिंग इंचार्ज का कार्यभार दिया गया है। अर्की से RS ठाकुर स्टेट सोशल मीडिया इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में मुख्य परिसर और संबंधित शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर जिन कोर्सों में प्रवेश होना है उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
तकनीकी विश्वविद्यालय ने MSc भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, BHMCT, BSc, HMCT और MA MSc PG डिप्लोमा इन योग में प्रवेश लेने वाले पात्र अभ्यर्थियों से 30 जून तक आवेदन मांगे हैं। उपरोक्त विषयों में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। सीएम सुक्खू ने कुटलहर से किया चुनावी शंखनाद, बोले बिकाऊ और खाऊ विधायक नहीं चलेंगे। कांग्रेस के बागी विधायक देवेंद्र भुट्टो के विधानसभा क्षेत्र कुटलहर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागियों और भाजपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि बिकाऊ और खाऊ विधायकी करने वाले विधायक नहीं चलेंगे, यह सच और झूठ की लड़ाई है, झूठ परस्त होगा और सच की ही जीत होगी। ऊना जिला के कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, विधानसभा की 6 सीटों के साथ लोकसभा की 4 सीटें भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह वक्त टिकट की लड़ाई का नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। कहा कि टिकट के सभी दावेदार, कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर जीत हासिल करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं। वह खुद भी हर एक विधानसभा क्षेत्र की पंचायत और गांव का भी दौरा करेंगे। इस बार धन बल नहीं, जन बल हमारे साथ है। भाजपा हमेशा ही धन बल की राजनीति करती आई है, चुनावों में जनबल ही भाजपा को आईना दिखाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के जाने के बाद भाजपा में विद्रोह हो गया है। जयराम ठाकुर बोले कंगना को बाहरी बताने वाले कहां से लाए थे राज्यसभा प्रत्याशी। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया है। मंडी में जयराम ने कहा कि कंगना रनौत को बाहरी प्रत्याशी बताने वाले पहले यह बताएं कि वो राज्यसभा का प्रत्याशी कहां से लेकर आए थे। कंगना हिमाचल प्रदेश और मंडी की बेटी है, ऐसे में मुकेश को सोच विचार कर ही बयान देने चाहिए। जयराम ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कंगना ने मायानगरी में नाम कमाया है और बुलंदियों पर पहुंची है, वह कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश में किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता अपनी सरकार और पार्टी से दुखी होकर खुद ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में सरकार का जाना तय है और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। शिमला के रिज पर मनाया जाएगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल होंगे। यह बात DC शिमला अनुपम कश्यप ने हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कही। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला पुलिस, यातायात पुलिस, होमगार्ड, NSS, स्काउट एंड गाइड, SDRF, भारतीय पुलिस रिजर्व, वाहनी आदि शामिल रहेंगे, जिनका पूरा अभ्यास 10 अप्रैल से आरंभ होगा। इसी प्रकार समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिले के उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।